आज हम लोग इस छपरी गर्ल के साथ इस वीडियो को रिएक्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे जाके बोलो कि कितनी छपरी लग रही है। 10 out of 10। अरे चल जा। बचपन में हमने मॉरल साइंस की किताब से एक चीज तो सीखी थी, हार्डवर्क इज द करण जैसे शब्दों की चिता तब से ही तैयार होने लगी थी जब टिकटॉक नामक राक्षस ने 10 सेकंड में भांड पना करने वाले क्रिएटर्स को सक्सेस का वरदान दे दिया। और आज इस चिता में जिसने फाइनल आग लगाई है वो है बदमाश एबाज खान और मास्टर लॉरी। दोस्तों हाल ही में हुए एक सर्वे में उन लोगों को बुलाया गया जो इंटरनेट पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। सब लोगों से उनके गेम प्लान के बारे में पूछा गया और सर्वे के नतीजे देख के आप लोग शॉक हो जाएंगे। दोस्तों देखिए ये शॉकिंग। हाँ जी सर, तो बताइए इंटरनेट पे फेमस होने के लिए आपका क्या प्लान है? भाई हमारा तो सीधा सा हिसाब है, हम चलते हैं ट्रेंड के ऊपर। और ट्रेंड ये कहता है कि मेहनत करो झाट भर और गुंडागर्दी करो रात भर। भाई किसी को गाली दे देंगे, किसी को धमकी दे देंगे, किसी की वीडियो बना देंगे और वो वीडियो इंटरनेट में 2 मिनट में वायरल, फिर हम छा जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या प्लान है? मेरा तो सिंपल है, मेरे पापा ने घिसवा के बहुत पैसा कमाया, मैं उस पैसे से बॉलीवुड में अप्रोच लगवाऊंगा और सिलेब्स के साथ ऐसे चिपक के फोटोज लूंगा, बस बाकी का काम मेरा पीआर कर देगा एंड आई विल बी एन इंटरनेट सेंसेशन इन नो टाइम। मास्टर लॉरी, मैं आपकी इस लेगेसी को बहुत आगे लेके जाऊंगा। अरे क्या बात है सर। हाँ जी सर, तो बताइए आपका क्या प्लान है? मेरा तो बस यही है कि अच्छा कंटेंट सोचूं और डालूं और उसके बाद धीरे धीरे लोग मेरे को पहचाने। भाइयों ये ऐसी बात करके हमें लक्ष्य से भटका रहे, मारो साले के। तो दोस्तों देखा आपने कैसे बदमाश एबाज और मास्टर लॉरी ने अपने शॉर्टकट टू फेम थ्योरी किस तरह लोगों के कॉन्शियसनेस में भर दी है। पर दोस्तों इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए मशहूर शायर शेख पूरब बिहारी ने ये कहा, स्कूटर में 4 पहिए लगाने से वो कार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, शॉर्टकट टू फेम देता है सिर्फ 2 दिन का सुख, उसके बाद फाड़ता है ऐसी गांड कि उस गांड फटी की कोई आवाज नहीं होती। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले घोड़ी बनाते हैं उसको जो ड्रग्स को च्युइंगम की गोली समझ कर खा जाता है, हमारे बदमाश एबाज खान। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं और टेलीटबी का ये लड़का इस चीज को साबित करने में लगा। जब ये जंगली भालू गांजे की 2 पुड़िया पे आने वाली लड़कियों के साथ ऊद बिलाव रीले नहीं बना रहा होता तब ये जाता है लाइमलाइट की तलाश में और इसके काम करने के प्रिंसिपल को कहते हैं गांडू निकला गुंडा बनने। बेटा पकड़ लिया, यही होता है बेटा, कोई कोई ना हमारे जैसा भी होता है। अरे हम लोग ओची लोग है रे, ओची। ये कैरी है ओची। ओ बेटा कैरी नहीं, पूरा दशहरी आम हूँ, बता ना कुड़ी मेरी। ए जोक मत मार इधर, समझा क्या? जोक बराबरी वालों के साथ मारा जाता है और आम तेरे से बहुत अच्छे, समझा? चल बता दे तू कैरी में लटी है। नहीं तू कैरी नहीं है ना, अभी देखना कैसे पकड़ा जाएगा। तो शुरू करते हैं, पागल है तो शुरू करते हैं, तो शुरू करते हैं। दप्पा पकड़ लिया साले को, पकड़ लिया। ये टैगलाइन चेंज करनी पड़ेगी। मास्क उतार बेटा, ये देखो ये कैरी है, इसने मेरे पे रोस्ट बनाया था, मेरे फैंस को सॉरी बोल दे। चल ओची ओची करना बंद कर दे, पहली बात तो वो ओजी होता है और वो तू है ओरिजिनल गांड। इसने अपने से आधी उम्र के लड़के पर हावी होकर अपना करियर रिवाइव कर लिया। अब आप इस मैप पर नजर डालें तो लाल रंग के बिंदु ये दर्शाते हैं कि एबाज खान को अपनी इसी हरकत के लिए देश के किस किस कोने में गालियां दी जा रही हैं। पर यही है इस बागड़ बिल्ले, इसको पता था कि बदनामी में भी एक, तुझे सच में स्किल्स डेवलप करके फेमस होना है तो मेरा कोर्स ले ले, तेरे लिए स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है, कूपन कोड है। खैर कूपन कोड तो सबको मालूम ही है, कमेंट करके एबाज को भी बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ मैं दाद देना चाहूँगा कैरी को क्योंकि उसने बहुत ही मैच्योरिटी से सिचुएशन हैंडल किया, सॉरी बोला उस चीज़ के लिए जो उसने कभी करी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, कैरी ने कभी इस निराला सुपारा के नाले को रोस्ट किया ही नहीं। अरे बदमाश एबाज, इंटरनेट पर गुंडा बनना उतना ही आसान है
जितना हक कर गांड धोना। कैरी की जगह उस दिन और कोई उल्टी खोपड़ी का बंदा होता तो तेरी कथे की शक्ल को पान में डाल के चबा जाता। खैर दोस्तों, इस अधेड़ू मल के लिए